Hello viewers, Namaskar, Jai Jagannath. Viewers, today I am coming with a new chapter which is related to the communication chapter, first unit, and we will discuss about what is nonverbal communication and total communication process. We will discuss these two points today and I hope you will enjoy. Just take education as a enjoyment, then you can achieve it very easily. Let's start. तो फर्स्ट जदि मुझे कह व्हाट इज नॉनवर्बल कम्युनिकेशन तेल दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन आम कौन करूचे ना आमर रिटन वे रे आमर ओराली आम आम कथा को रिप्रेजेंट करूचे कि नॉनवर्बल कम्युनिकेशन आम कौन करूचे टोटाली आम साइन लैंग्वेज बा बॉडी लैंग्वेज बा पैरालिंग्विस्टिक वे रे आमर कन्वर्सेशन को आमर आइडियाज को एवं आमर इंटेंशन को आम कौन कर दर्शक आगे बा ऑपोजिट पर्सन आगे रिप्रेजेंट करूचे. तो आम बुक रो लाइन अनुसार पढ़वा कारण आपण मैंने जो एग्जाम अटेंड करेंगे से आमको बुक वाइज ही जीवाक पड़ो पॉइंट्स रू ही आम जिनसटा नहीं पार लिखिपर. सो आई एम गोइंग विथ द बुक्स. बेसिकली अनवेल्स एंड इंडिविजुअल बिहेवियर इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट ऑफ ए पर्सन. अर्थात आम जो भाई भाव में रिप्रेजेंट करूचे बाठी आम मैनेजर मैनेजर बारंबार कहीं करूचे ना कहूँ ना मैनेजर ही गोटे इंस्टीट्यूशन को मैनेज करूचे हु मैनेजेस एनिथिंग इज ए मैनेजर. एनी इंस्टीट्यूशन एनी थिंग इज ए मैनेजर. तो ये से कौन कहे ना तार टेम्परामेंट से ये देखा तार नॉनवर्बल वे रे तार टेम्परामेंट को से शो करी. देयरफॉर मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉनवर्बल क्यूज सिंगुलर एंड क्लस्टर्स. माने जमीती कौन सी प्रकार एमती किसी साइन लैंग्वेज थाए जोटा कि मे बी विभिन्न प्रकार ही थी पारे विभिन्न कहीपर आम द्वंद्वात्मक भी हो पारे जटिल हो पारे ताकू बुझार कैपेसिटी दक्षता जड़े मैनेजर रहा दरकार. देन से कहे जे कौ प्रकार क्यूज ना सिंगुलर एंड क्लस्टर्स. नॉनवर्बल क्यूज कंसिस्ट ऑफ किनेसिक्स प्रॉक्सिमिक्स पैरालैंग्वेज साइन लैंग्वेज टाइम लैंग्वेज ऑब्जेक्ट लैंग्वेज एक्शन साइलेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन. यही सब वे रे यही सब कैटेगरी होची आमर कौन ना नॉनवर्बल कम्युनिकेशन प्रकार जोटा कि आम परवर्त समय डिस्कशन करवा. तो यही सब जिनस को कैटेगरीसन को जड़े मैनेजर भल भाव बुझी पारे से क्लाइंट बा तार अधस्थान कर्मचारी मान सहित ठीक से डील कर. तो जोटा जमीक मोर प्रमिश अनुसार सेकेंड जोटा डिस्कसन आम टपिक करवा व्हाट इज द टोटल प्रोसेस ऑफ ए कम्युनिकेशन बा टोटल प्रोसेस. टोटल प्रोसेस रे जदि आम कह यार डायग्रामटा यार स्केचटा देदेवी स्क्रीन ऊपर तो बुझाक सहज हे. अर्थात आम जब गोटे सर्कल करवा कम्युनिकेशन को गोटे सर्कल हिसाब से नवा तो से आम कौ कौ पार्ट सब रखा जमीक आम कौन करवा ना मनकर राइटिंग रीडिंग लिसनिंग एवं कौन राइटिंग लिसनिंग रीडिंग एंड जहाँ जहाँ प्रोसेस रोचे आम कई भाव में कैटेगराइज करवा भाग भाग आम करवा. तो फास्ट आम कौन करवा जो सर्कल भितर अधिक पार्ट आम नहीं जाऊँ कौन ना लिसनिंग स्किल. अर्थात आम शुणाटा जिते स्ट्रंग हम जिते आप्रोप्रिएट हम जिते आम ठीक से शुणीपर और मन रखिपर से आमर कौन हम ना कम्युनिकेशन करवा प्रोसेसटा सहज हम. देन आम आसे ताले आमे कौन करवा 45% नवा लिसनिंग स्किलटा को तापर आम जब आसवाजे रीडिंग ताले इटी आमर आसी जाऊँ रीडिंग आम आस 16% आम रीडिंग करिपरबा. अर्थात आम ओवरऑल रीडिंग करिपरबा जिते कि जितेबाला शुणा आम अधिक शुणा जोटा आम जदि भाषा कहवा तो शुणिला बेल आम अधिक शुणा पढ़ला बेल आम कौन करवा मैंने तार जिस्टा को नहीं पार एवं जो आम कहूजे स्पीकिंग आम जो अनुसार लिसनिंग करनी थाउ से अनुसार आम कही था. अर्थात कौन ना स्पीकिंग 30% हवा
दरकार अर्थात आम जहाँ शुणीचे आटलिस्ट आम 30% रिप्रेजेंट कर दरकार देन आसव आमर राइटिंग राइटिंग प्रोसेसटा 9% बोली इंट्रोड्यूस मेनसन करुच्ची अर्थात आम जहाँ कि शुणीचे 9% आम रिप्रेजेंट करू लिखि पारू कारण आम कहला बेल कौन करूँ ना अधिक किसी कहीदे पारि था कि लिखला बेल से कौन होता है ना कि संकुचित हो जाए यहाँ जो ओवरऑल डाटा या नुहे जे जिते शिखुचे किसी जाणुचे से कम ही लिखुची बेले बेले जड़े जड़े अधिक लिखिपारती कि कहुचे आमको एति परसेंट कह दरकार कि परसेंट लिखा दरकार अर्थात आम जो लिखा आम जिस्ट करके लिखिद आम एत बड़ करके लिखानी जिस्टा को आम लिखा तो 9% से रिप्रेजेंट कर तो थैंक यू फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक कमेंट एंड शेयर देन कमेंट मी बिकॉज योर कमेंट्स आर वेरी मच नेसेसरी फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू न्यू इन माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल देन आई विल गिव यू न्यू वीडियोज व्हिच विल हेल्पफुल टू यू थैंक यू।